टांगों की जो बीमारी होती है, अगर हम रूटीन में पद्मासन करते हैं तो उससे टांगों की जो बीमारी होती है, टांगों में अकड़न जकड़न होती है, वो ठीक होती है। उसके बाद हम योग की मुद्रा में बैठेंगे, उससे ध्यान को एकाग्रता करने का ये की मुद्रा है, उससे दिमाग को एक जगह एकाग्र करते हैं और उसको ओम की ध्वनि से, हम नाभि से उसको ओम की ध्वनि को उठाएंगे और आंखें बंद करते हुए आसमान की तरफ, जैसे कि हम योगा को ओम की ध्वनि को नाभि से उठाते हुए आसमान की तरफ लेके जाते हैं, उस आसन को करने से कि हमारे जो दिमाग की जो बीमारी होती है, दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करते हैं। ओम की ध्वनि को बार बार करने से हमारे दिमाग में जो भी विकार आते हैं, जो भी याददाश्त कमजोर होना, स्ट्रेस होना और माइग्रेन, डिप्रेशन आदि बीमारियां, इसके बार बार करने से उसमें काफी राहत मिलती है। पकड़ते हैं कोहनियों के बल उठते हुए वज्रासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, फिर दूसरा पैर उठाओ और दोनों हाथों से पकड़ते ऊपर को, बिल्कुल योग मुद्रा में अंदर ही अंदर ओम की पकड़ो या बोलो ओ। उसके बाद हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठने से एक आसन, ऐसा आसन होता है जो खाना खाने के बाद, हम इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। इस आसन में बैठने से जैसे खाना डाइजेस्ट होता है, ये खाना खाने के बाद हम 3 से 5 मिनट तक बैठे तो इसे खाना हजम होता है और टांगों में और पेट का मोटापा उस वो कंट्रोल होता है, तो खाने को जल्दी से जल्दी हजम करता है। कई बार हम लगता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया और सांस लेने में दिक्कत है, तो हम इस आसन में 3 मिनट तक बैठ जाएं। 3 मिनट बैठने से हमारा खाना तुरंत हजम हो जाएगा। उसके बाद हमने आसन किया उष्टासन। उष्टासन वो आसन है जिससे हम घुटनों के बल खड़े होके पीठ की तरफ, ये पीठ वाले आसन है उष्टासन, ये पीठ वाला आसन है, इससे पीठ के जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए जो भी विकार है, जैसे बैक की प्रॉब्लम होती है जिसमें सर्वाइकल आ जाता है और जो रीढ़ के पीछे नीचे प्रॉब्लम में गैप आ जाता है, उस गैप को कंट्रोल करता है ये आसन। हम लगातार करने से, इस आसन को लगातार, इसका अभ्यास करने से डेली 2-3 बार भी ये आसन करेंगे तो इस आसन के करने से सर्वाइकल कभी नहीं आएगा। अगर है वो किसी को जितना मर्जी पुराना हो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक लगातार करने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम और बैक की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलता है और इससे पेट का मोटापा, जांघों का मोटापा, ये कंट्रोल होता है और अगर ज़्यादा वेट पड़ता है तो वो भी उसमें भी राहत मिलती है और बॉडी में खिंचाव आता है, हाइट बढ़ती है। नीचे वाली गोटी पे दोनों अंगूठे से अंगूठा मिलाएं और अंगूठों से दबाते हुए जितना झुक सकते हैं पीछे की तरफ झुके, जितना झुक सकते हैं, रुकने का प्रयास, रुकने का प्रयास, दाएं हाथ से दाएं हाथ पकड़े, बाएं हाथ से बाएं हाथ, साइड से पीछे से, ये आसन बैक से होता है, रुकने का प्रयास। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी पीठ से जुड़ी जो भी बीमारी है वो दूर होती है, सर्वाइकल दूर होता है, गर्दन डबल चिन में राहत मिलती है, पेट का मोटापा, जांघों का मोटापा ये कम होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तनाव मुक्त होती है।
हाइट में भी राहत मिलती है। रुकने का प्रयास जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जितना ज्यादा रुकेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे रीढ़ के नीचे वाली गुट्टी है, जो रीढ़ की हड्डी की जो नीचे वाली गुट्टी, उसी पे उठे से उठा दबाते हुए धीरे धीरे वज्रासन में आराम से वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में ज्यादातर महिलाएं कर नहीं पाती, जो फैटी महिलाएं हैं वो नहीं कर पाती, लेकिन इस आसन के करने से हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं, पीठ के विकार, रीढ़ की हड्डी के विकार दूर होते हैं, जोड़ों की प्रॉब्लम दूर होती है, और हमारे जो थाईज है उसका मोटापा, पेट का, पूरी बॉडी का मोटापा कम होता है और बॉडी फ्लेक्सीबल होती है। खींच के रखें बाजू शरीर के साथ बिल्कुल टची रहे, टांगे और बीच के बाजू के बीच में ऐसा रहे कि जैसे हवा तक भी क्रॉस ना हो, ऐसे खींचा रहे, सांस निकला हुआ। धीरे धीरे एड़ी पंजों को उठाओ, मिलाते हुए खींचते हुए उठाओ, 60 का एंगल बनाए बस। रुकने का प्रयास इसमें कोशिश करो काउंटिंग 100 तक लेके जाए, अंदर ही अंदर काउंटिंग का फील करें कि हम इतना लंबा सांस रोक पाए। रुकने का प्रयास, जितना इस सांस को रोकेंगे उतना ही हमारा जो नाभि का जो से नीचे जो हमारी जो यूट्रस संबंधी जो बीमारियां महिलाओं की उसमें राहत मिलती है, हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक होती है। सांस को रोकें, रुका हुआ सांस नीचे की तरफ खिंचाव करना नहीं, जैसे हम पैरों की तरफ सांस को खींच रहे हैं, धीरे धीरे वापस। इसके लिए आपको दोबारा फिर दोहराएं, थोड़ा रिलैक्स के बाद फिर दोहराएं, एड़ी पंजे मिलाएं और उठाएं, उठाएं धीरे धीरे उठाएं दोबारा। फिर इस आसन को, इस आसन को कम से कम 10 से 12 बार डेली करें खाली पेट। ये आसन 10 से 12 बार डेली करने से 40 दिन तक 100% जी, किसी की हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स डिस्टर्ब है, यानी जो 28 दिन का साइकिल होना चाहिए वो साइकिल हमारा 2 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने, 6 महीने हो जाता है, 40 दिन इसको डेली 10 से 12 बार करने पर सुबह के टाइम खाली पे 40 दिन के अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। इसके वजह से हमारी जो स्किन है, स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, झाइयां आ जाती हैं, हमारे को जैसे मैरिड जो होती है उनको डिलीवरी की जो प्रेगनेंसी है वो तब तक नहीं होगी जब तक वो साइकिल ठीक नहीं होता। जो मैरिड है जिनको बच्चे होने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जब तक ये आसन हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम, जो हमारे हार्मोन्स है वो बैलेंस नहीं होंगे, और तब तक कोई भी महिला मैरिड है कंसीव करना चाहेगी तो नहीं हो पाएगा।